ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन इज ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू ए डिवाइड बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ये है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन का वो पहले दे देते हैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है यहाँ हम वो लिख लेंगे। वो होता है जी अंडर रूट ए बी की इक्वल, ठीक हो गया, ए बी की इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ए बी की अंडर रूट ए बी की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ए बी की। अब क्योंकि वो प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हम इसको नेगेटिव नहीं देंगे। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अवर ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी होल पावर वन बाई टू है, इसलिए वन बाई टू इसको हम यूनिट लेंगे। अब होगा क्या, अब इसको यूं भी लिख सकते हो और यूं भी लिख सकते हो, ए की पावर वन बाई टू लेते हो और बी की वन बाई टू लेते हो, बी की पावर वन बाई टू बेशक आप लेते हैं लिख सकते। अब ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू इन टू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन आ जाए, ठीक है। ये जो था इसके नीचे डिवाइड हो रहा था उस तरह क्या मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखें क्या होगा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू, अब ये जो ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये देखें ए की पावर वन बाई टू इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी की पावर वन बाई टू। अब इसमें मैंने क्या किया कि ए बी इंटू एन की पावर वन बाई टू जब मल्टीप्लाई होगा तो बी को मैंने बाद में लिख लिया, इसको इसके साथ लिख लिया ताकि मुझे आपस में बाद में, क्योंकि बेसिस सेम है तो ए को ए और ए को पहले लिख लिया और बी को मैंने बाद में, ये देखो ए की पावर वन बाई टू लिखा, फिर मैंने ये ए की पावर एन माइनस वन लिखा और फिर ये वाला बी, ये डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे इसको तो इसी तरह कहने दूंगा ए की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर एन माइनस वन। अब देखिए ये हमारे पास ए की पावर एन है एज इट इज, आगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल, अब यहाँ देखें ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन बाय टू इंटू बी की पावर वन बाय टू। अब कैसे हुआ, ए की पावर देखो एन माइनस वन है क्योंकि बेसिस सेम है, एन माइनस वन और प्लस वन बाय टू लिखा, वो देखो एन माइनस वन लिखा फिर प्लस वन बाय टू, बेसिस सेम है, बेस टू एक बार लिखी पावर एड कर दीजिए वन बाय टू एज इट इज आ गई। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने डाल दिया। अब ये देखो ए की पावर वन बाय टू इस तरह लिखो, अब देखो b की पावर n माइनस जो 1 और 1 बाई टू इकट्ठे हो जाएंगे, b की पावर n माइनस 1 और 1 बाई टू इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि ये बेसिस सेम है। अब a की पावर n प्लस b की पावर n और इज इक्वल टू a की पावर n, इसी तरह अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो n को फिलहाल बाहर ही रहने दो ना, n को बाहर रहें तो एक माइनस टू प्लस वन बी की पावर वन बाई टू ए की पावर वन बाई टू प्लस, देखिए बी की पावर टू एल से एन ऐसे देखो टू एल से लूंगा तो माइनस टू प्लस वन प्लस वन, कैसे ये देखो अगर मैं माइनस वन बाई माइनस वन प्लस वन बाई टू का एल सी एम लूंगा तो क्या होता है टू एल सी एम आ जाएगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है टू वन जन टू हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है तो प्लस वन ऐसे आ जाएगा। इस तरह ये जो मेरे पास वन माइनस वन बाई टू माइनस वन प्लस वन बाई टू था, ये देखो माइनस टू प्लस वन बाई टू इस तरीके से होगा एलसीएम लेके। अब देखो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन टू में से वन गया वन नीचे टू बचा, अब टू क्योंकि बड़े साथ साइन क्या आएगा माइनस, ये देखो टू में से वन गया वन अगर टू साथ साइन माइनस का तो माइनस माइनस वन और बी की पावर वन बाई टू प्लस ए की पावर वन बाई टू ये वाला और बी की पावर एन और माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन बाई टू, जैसे देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, ए की पावर जो है आपके पास ये एन है ना, ये वाला एन है, इसके साथ देखो मैं क्या दूंगा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू। अभी आप गौर से समझ, ए की पावर एन था एन
इस n के साथ माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू इसलिए लिखा क्योंकि ये देखो ये वाली पावर भी n माइनस वन बाई टू है, तो ये चीज बनाने के लिए मैंने लिखा। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो ये वाली वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने इस वैल्यू के साथ जोड़ दिया इस वैल्यू के साथ, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस हो जाएगा a की पावर n माइनस वन बाई टू इंटू b की पावर वन बाई टू, ये साइन कुछ नहीं था प्लस अगर आगे माइनस हो प्लस प्लस में। अब देखो b के साथ भी मैं यही करूंगा, b की पावर n है ना, तो n के साथ मैं माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू लिख लूंगा, तो ये वाली जो b की पावर n है वो इस वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ आके क्या हो जाएगी, अच्छा ये मल्टीप्लाई ऐसा है, सॉरी ये क्या है डॉट है मल्टीप्लाई, ये क्या है डॉट है मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू के साथ आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये वाली वैल्यू इधर आई माइनस ए की पावर देखो वन बाई टू इंटू बी की पावर एन माइनस वन बाई टू, दूसरी तरफ जीरो बच गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है क्या होगा, ये जो ए की पावर एन था इसके साथ माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू किया और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ इकट्ठा कर दिया क्योंकि पावर एक सेम हो जाएगी, देखो ए की पावर एन माइनस वन बाई टू डॉट बी की पावर वन बाई टू, फिर क्या होगा कि ये जो प्लस वन बाय ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई एन माइनस वन बाई टू था इसको मैंने इस वाली वैल्यू के साथ जोड़ा क्योंकि इधर भी बी की पावर क्या है एन, तो ये जो बी की पावर एन थी जैसे मैंने इधर एन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू किया इस एन के साथ भी मैंने माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर दिया, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करूँ ताकि क्या एक्सपोनेंट सेम हो जाए, और ये वाली वैल्यू देखो इस तरफ आई तो प्लस था तो इस तरफ आके माइनस होगी दूसरी तरफ जीरो बच गया। अब देखें क्या होगा, ए की पावर n माइनस वन बाय टू इंटू ए की पावर वन बाय टू, कैसे ये बेस है ना इसके साथ ये वाली जो यहां से यहां तक पावर थी उसको मैंने अलग बेस के साथ लिखी और वन बाय टू को अलग लिखी, बाकी फिलहाल मैंने कोई चेंज नहीं करना वो एज इट इज आ जाएगा प्लस। इसी तरह मैं यहां से ये जो a की b की पावर n माइनस वन बाय टू है उसे अलग लिख लूंगा और b की पावर ये वाली वन पावर जो है उसको मैं अलग बेस से, क्योंकि दोबारा जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये चीज बनेगी, तो इसलिए मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ ए की पावर वन बाई टू बी की पावर एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखो हमने इधर सेपरेट क्यों किया है, अगर सेपरेट करने का ये फायदा हुआ हमें ये देखो बी की पावर एन माइनस वन और बी की पावर एन माइनस वन बाई टू बी की पावर एन माइनस वन टू इधर बन गया और इधर भी सेपरेट करने का ये फायदा हुआ कि देखो ए की पावर एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन बाई टू, इसलिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा ए की पावर एन माइनस वन बाई टू कॉमन लूंगा, इसलिए तो मुझे एक डिफाइंड भी करना है इसलिए उसने यही कहा ना फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन। अब देखो ए की पावर एन माइनस वन मैंने कॉमन लिया तो ए की पावर वन बाई टू क्या चाहिए माइनस, अब देखो ए की पावर एन माइनस टू वन बाई टू बाहर चले गए तो बी की पावर एन माइनस क्या बच गया वन बाई टू बच गया प्लस। अच्छा इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, ऑर्डर इसलिए ये हो गया कि हमें ये वाला पहले लिखना था और ये वाला बाद में लिखना था, उसका ये होना था कि ये देखो ना ऑर्डर सेम हो जाए, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में आपके पास आ गए तो उसका भी मैं हाथ रखता हूँ। इधर देखो बी की पावर एन माइनस वन बाय टू आपने क्या कर दिया कॉमन के लिए, तो बी की पावर वन बाय टू माइनस ए की पावर वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ ए क्या है पॉजिटिव है, इधर ए क्या है नेगेटिव है, इधर बी नेगेटिव है, इधर बी पॉजिटिव है, तो इनका साइन चेंज करने के लिए आप क्या करें कि ये वाला साइन क्या करें नेगेटिव कर दें और इसको क्या कर दें नेगेटिव कर दें और इसको प्लस कर दें, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। दूसरा आप क्या करें इसका साइन जैसे ही आपने यहाँ पे चेंज किया तो आप इसको ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू लिख लें, साथ ही क्योंकि यहां जब ऑर्डर चेंज होगा इस माइनस की वजह से ऑर्डर भी चेंज होगा और साइन ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि साइन तो पहले माइनस था सिर्फ यहाँ भी ये वाला पहले था ये बाद में था, तो आप ये करते हैं कि आप साइन बाय माइनस लगाएं और इस पहले वाले को बाद वाले को पहले में लिख दें, तो देखो ये दोनों अब बिल्कुल सेम हो गए। अदरवाइज आप ये करें जब आप इस स्टेप में इस वाले स्टेप में आए तो ये वाली वैल्यू पहले लिखते हैं ये वाली बाद में लिखते हैं तो खुद ब खुद आपके पास ये ऑर्डर बन जाएगा।
अब अगर आप देखें तो a की पावर माइनस वन बाई टू b की पावर a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू यहाँ पे भी है, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू यहाँ पे भी है, तो आप उसको कॉमन ले, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू कॉमन आ गया तो क्या बचा, a की पावर n माइनस वन बाई टू माइनस b की पावर n माइनस वन बाई टू बच गया। देखिए हमारे पास a की पावर ये दो जो वैल्यू है ये दोनों तो हमने कॉमन ले ली, इसका मतलब है खत्म हो गई, उड़ गई, तो हमारे पास क्या हो गया, ये a की पावर n माइनस वन वो लेते हैं, फिर ये देखो माइनस b की पावर n माइनस वन बाई टू ये बच गया, क्योंकि ये वाला जो है सेम था कॉमन था एक बार लिख लिया। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू में उतार लें या ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्या करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करें। अब ये देखें दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जीरो, ये जो है ना a की पावर 1 बाई 2 माइनस b की पावर 1 बाई 2 जीरो के ऊपर हो नहीं सकता, इसलिए ये इधर जाके जब जीरो के नीचे डिवाइड होगा, ये वाले पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके जीरो के नीचे डिवाइड होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला तो उड़ गया खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास बाकी है a की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस b की पावर n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। ये मैं रिपीट करता हूँ, ये जो फैक्टर है a की पावर 1 बाई 2 माइनस b की पावर 1 बाई 2 यहाँ इस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाली जो वैल्यू से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इधर जाके इसके नीचे डिवाइड होगा तो उधर जाके ये जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको भूल जाए खत्म हो जाए, ये हो गया जीरो। अब a की पावर n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 बाई 2, यानी ये जो माइनस था उस तरफ जाके प्लस हो। अब ऐसा करें कि a की पावर n माइनस 1 बाई 2 के नीचे भी b की पावर n माइनस 1 बाई 2 डिवाइड करते हैं, इसी तरह b की पावर n माइनस 1 बाई 2 है इधर भी b की पावर n माइनस 1 बाई 2 को डिवाइड करते हैं, तो क्या हुआ है कि अब स्टेप हमने क्या किया, डिवाइडिंग b की पावर n माइनस 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड की, उससे जो हुआ ये देखो कट के 1 आ, a की पावर n माइनस 1 बाई 2 b की पावर n माइनस 1 बाई 2 ऊपर और नीचे बिल्कुल एक्सपोनेंट सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे कॉमन लिख लेंगे, क्यों इधर भी देखो a की पावर 1 बाई 2 n माइनस 1 बाई 2 है, इधर भी n माइनस 1 बाई 2 है, दोनों में पावर क्या होगी सेम है, इसलिए ये हुआ कि इसको कॉमन करके इधर 1 आ गया। अब देखो a की पावर a ओवर b की पावर n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू a ओवर b की पावर क्या होगी जीरो। अब क्या हुआ कि हमें चाहिए n, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की बात कर रहे हैं, तो हमें चाहिए n, तो n हमारा एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बेस एक्स्ट्रा है, इसको हमने खत्म करा है, तो बेस कैसे खत्म होगी, तभी खत्म होगी जब उस तरफ भी a और b हो, तो a और b दूसरी तरफ हमारे पास 1 है, तो आसानी से a और b बना सकते हैं, क्यों अगर इधर भी हम 1 की जगह a और b की होल पावर 0 लिखेंगे तो वो 1 के इक्वल ही होता है, जब भी किसी चीज का एक्सपोनेंट 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये देखो a की पावर 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2 से कैंसिल होगी, तो n माइनस 1 बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो n इज इक्वल टू 1 बाई 2 हमारे पास क्या आ गया, इसका भी आंसर आ गया n इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट, क्योंकि बेसिस उड़ गई, पावर इसकी पावर जो है इसकी पावर की इक्वल थी और माइनस हो रहा था तो जाके प्लस n चाहिए था, n हमने ढूंढियों से काटा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, तो हमने कहा जी n इज इक्वल टू 1 बाई 2 जो है इज यहाँ पे n की पावर 1 बाई 2 आ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो हमने क्या कर लिया ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी है अपनी राय के साथ कमेंट में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।